नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है वर्नियर हाइट गेज। इसके पहले जो वीडियो हुए थे इस वीडियो मैंने सरफेस प्लेट वी ब्लॉक उसके बाद और एक कॉम्बिनेशन सेट हुआ था। आज का जो वीडियो इस वीडियो में डिटेल में देखना है आपको कि वर्नियर हाइट गेज का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वर्किंग कैसे होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये सारा देखना है। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर उसमें कुछ गलती लगती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो और डिसलाइक भी कर सकते हो अगर ये वीडियो आपको अच्छे नहीं लगे तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज इज सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर, बट इन दिस इंस्ट्रूमेंट द ग्रेजुएटेड बार इज हेल्ड इन वर्टिकल पोजिशन एंड इट इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद द सरफेस प्लेट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट आपका जो वर्नियर है, वर्नियर के जैसे ही है, लेकिन इसका जो ये ग्रेजुएटेड स्केल है ये कैसे वर्टिकल पोजिशन में है, और ये क्या है कि सरफेस प्लेट के साथ इसका यूज़ होता है। वर्नियर का ऐसे नहीं होता है। वर्नियर आपके हाथ में पकड़ के भी किधर भी जाके आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हाइट गेज का यूज़ करना है तो आपको सरफेस प्लेट के साथ उसके साथ काम करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन। वर्नियर हाइट गेज कंसिस्ट ऑफ अ फाइनली ग्राउंड एंड लैप्ड बेस। बेस इज मसिव एंड रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन टू इंश्योर रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी। उनका कहने का मतलब है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इसका, तो ये क्या है, बेस है। ये बेस का सरफेस आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा है। ये पूरा जो बॉटम सरफेस है ये कैसा है, लैप्ड है, पूरा लैपिंग किया वाला प्रोसेस है, और ये रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है क्योंकि ये जो आपका वर्टिकल है इसको क्या करना है, इसको सपोर्ट देना है। वर्टिकल ग्रेजुएटेड बीम और कॉलमन सपोर्टेड ऑन ए मसिव बेस। एक वर्टिकल ग्रेजुएटेड स्केल है वो जो क्या है, एक मसिव बेस पे माउंट है। अटैच टू द बीम इन ए स्लाइडिंग वर्नियर हेड कैरिंग द वर्नियर स्केल एंड कैंपिंग स्क्रू। आप ये देख सकते हो कि ये आपका ग्रेजुएटेड स्केल है और यहाँ पे ये जो है ये आपका वर्नियर स्केल है। ये जो दिख रहा है ये वर्नियर स्केल है, उसके साथ ये क्लैंपिंग अरेंजमेंट है। एन ऑक्सिलरी हेड विच इज ऑल्सो अटैच टू बीम अबो द स्लाइडिंग वर्नियर हेड, इट हैज़ फाइन एडजस्टिंग एंड क्लैंपिंग स्क्रू। इसके साथ और एक एडजस्टिंग हेड है, इसके यहाँ पे क्या है, आपको फाइन एडजस्टमेंट का इन्होंने क्या क्या है यहाँ पे प्रोविज़न दिया है, आपको फाइन एडजस्टिंग स्क्रू बोलते हैं इसको। और ये मैग्नीफाइंग ग्लास है कि आपको सही सही मैग्नीफाई करके रीडिंग दिखाने के लिए यह एडजस्ट होता है यहाँ पे। अ मेजरिंग जॉ और स्क्राइबर अटैच टू द फ्रंट ऑफ द स्लाइडिंग वर्नियर। ये जो दिख रहा है आपका ये क्या है, स्क्राइबर है। इसका अलग अलग यूज़ होता है, जॉब को मेजरमेंट के लिए भी यूज़ होता है, और कभी कभी आपको जॉब को मार्किंग करना है तभी भी उसका यूज़ होता है। अब इसका यूज़ देखते हैं क्या क्या है। द वर्नियर हाइट गेज इज डिज़ाइन फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट एंड मार्किंग ऑफ वर्टिकल हाइट्स अबो द सर्फेस प्लेट डाटम। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर डिफरेंस इन हाइट बाय टेकिंग ए वर्नियर स्केल रीडिंग एट ईच हाइट एंड डिटरमाइन द डिफरेंस बाय सब्सट्रैक्शन। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कंसिडर करो, मैंने यहाँ पे वी ब्लॉक रखा है और ये मेरा एक जॉब है, आप देख सकते हो ये जॉब है। इसका मुझे क्या करना है, अभी हाइट मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको लॉक कर दूँगा। लॉक करने के बाद मैं इसको ला के यहाँ पर टच करूँगा। टच करने के बाद मैं इसका रीडिंग ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, ये जॉब के हाइट मिलेगी। हाइट मिलने के बाद मुझे अभी क्या करना है, ये जॉब का मुझे डायमीटर निकालना है, डायमीटर कितना है, तो डायमीटर भी निकाल सकता हूँ। मुझे डायमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये पोजीशन में रख के इसका जो टॉप सरफेस रहेगा, टॉप सरफेस को मुझे क्या करना है, इसको ऐसे टच करना है, और टच करके इसका जो टॉप का रीडिंग आएगा वो मुझे नोट डाउन करना है, वो क्या रहेगा मेरा, उसका इसका डायमीटर रहेगा। अभी कंसिडर करो एक बॉक्स जो है, ये वुडन का बॉक्स है, लेकिन ये क्या है, एक मिड शीट मेटल का पार्ट है, कंसिडर करो। और यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे एक होल है, ये दोनों होल का क्या करना है मुझे, डिस्टेंस निकालना है, सेंटर डिस्टेंस निकालना है, ये और ये डिस्टेंस निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे यहाँ पे रेस्ट कर दूँगा। रेस्ट करने के बाद मैं एक जगह पे क्या करूँगा, इसका रीडिंग ले लूँगा, ये जो टॉप होल है, ये होल का सेंटर। अभी होल का सेंटर तो मुझे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसका अपर एज जो है, अपर एज का मतलब अपर इसका रीडिंग ले लूँगा, फिर इसका रीडिंग ले लूँगा, ठीक है, फिर
इसका यहाँ से रेडियस माइनस करके ऐसे कैलकुलेशन करके क्या कर सकता हूँ मैं इसका सेंटर का डिस्टेंस निकाल। आपके मैथमेटिकल के भी डिपेंड है आप उसका सेंटर कैसे निकालते हो, लेकिन दो पॉइंट को लेके मैं सब्सट्रैक्शन करके उसका सेंटर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अभी इसके इसका रीडिंग तो ठीक है, रीडिंग मैंने बोल दिया कैसे लेना है क्या ले, लेकिन इसका भी यूज़ कैसे करते हो मैं बताता हूँ कि वर्नियर का प्रिंसिपल और इसका प्रिंसिपल सेम ही है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ आपको इसका एकदम डिटेल में इसका रीडिंग्स कैसे लेता है वो बताता हूँ मैं पहले। अभी आपको इसका लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपका जो ये मेन स्केल है, मेन स्केल का आप देख सकते हो कि मेन स्केल में स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है आपका, यहाँ से ये फर्स्ट लाइन से लेके ये जो लाइन है ये कितना है आपका 1 mm का डिस्टेंस है, और यहाँ से ये आपका 10 mm है, तो मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना है 1 mm है, ठीक है। फिर आपके ये जो वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन्स है आप गिन सकते हो, ज़ीरो से लेके वन तक कितने डिवीजन्स है, टोटल 5 है, तो टोटल डिवीजन है, तो यहाँ से लेके इतने ये कितने डिवीजन हो गए, 50 डिवीजन हो जाएंगे। मतलब लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो कैसे है कि स्मॉलर डिवीजन ऑन मेन स्केल तो कितना हो गया 1 mm हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल पे टोटल 50 डिवीजन है, 1 / आपने अगर 50 किया तो आपका कितना आता है 0.02 आता है। और अगर आप इसका जो ऊपर का जो पार्ट देखेंगे आप इसका, तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप इसका लिस्ट काउंट इन्होंने लिखा है 0.02 लिखा है। आप ऐसे इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हो। सेम अभी अगर आपको रीडिंग लेना है तो रीडिंग लेने के लिए मैं भी बता देता हूँ कि इसका रीडिंग कैसे लेते हैं। कंसिडर करो मैंने यहाँ पे इसको एग्जैक्ट 65 पे आ गया, मैंने क्या किया इसको ऐसे यहाँ पे ये जगह पे मैंने इसको एडजस्ट किया है, ठीक है। ये मेरा अभी रीडिंग का पॉइंट है, मुझे ये रीडिंग लेना है कितना है। अभी देखो यहाँ पे ये 50 है, ये 60 है, 61, 62, 63, 64 और 64 और 65 के बीच में क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो आपका मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया 64, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसा है कि टोटल रीडिंग इज इक्वल टू, लिख लो आप, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। अभी वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेना है आपको, देखो यहाँ पे जो ये जो लाइंस है, ये लाइंस आपके कौन से लाइन को, ये लाइन को मैच होती है वो देखना है आपको। तो कौन सा लाइन मैच होता है एग्जैक्ट, देखो उसको 90 डिग्री में देखना है। तो ये देखो 3 नंबर का जो लाइन है, तो ये एग्जैक्ट ये लाइन से आपका जो मेन स्केल का लाइन है इसके साथ मैच होती है। तो 3 नंबर का लाइन कैलकुलेट करो कितना है, मतलब 0 से लेके 5, 10 और 15 नंबर, 15 नंबर की लाइन के क्या है आपकी, आपकी उसके साथ मैच हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 64 + 15 × 0.02, वो जो कुछ आएगा उसका जो कैलकुलेशन आएगा वो क्या रहेगा आपका, आपका रीडिंग रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग था आपका 64, 15 × 0.02 लिस्ट काउंट, और आपका ये वैल्यूज आया है। ऐसा था अगर मैं और एक इसका यूज़ बताना भूल गया कि कंसीडर करो मेरा एक प्लेट है यहाँ पे, और मुझे प्लेट पे क्या करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना है, 2 होल ड्रिल करना है और उसका मार्किंग करना है। मार्किंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले ये जो प्लेट रहेगा मेरा, प्लेट को मैं क्या करूँगा, ब्लू अप्लाई करूँगा, एक ब्लू कलर रहता है टूल रूम में वगैरह, मैं इसको अप्लाई करके फिर मेरे को ये बेस से कितने हाइट पे 5 सेंटीमीटर पे मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये है मैं 5 सेंटीमीटर पे ये करके इसको क्या करूँगा, ऐसे इसके यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा। फिर यहाँ से मुझे कितना वापस 5 mm पे लाइन ड्रॉ करना है, मतलब स्क्राइब पॉइंट मार्क करना है, तो मैं क्या करूँगा इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे ये करूँगा, ठीक है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क हो गए। फिर इसके बाद मैं इसको वापस वी ब्लॉक को ऐसे अटैच करके मुझे क्या करना है, ये टोटल 60 mm है और मुझे क्या करना है 30 mm पे लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं, मेरा जो ये हाइट गेज है मैं क्या करूँगा 30 mm पे सेट करके इसको ऐसे
लाइन ड्रा करूँगा। लाइन ड्रा करने के बाद मुझे ऑटोमेटिकली क्या हो गए, दो सेंटर मिल गए। फिर मैं इस यहाँ पे इसका ग्लिंग का प्रोसेस कर दूँगा। ऐसा भी इसका आपका यूज़ है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।